अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश और मजे में है। पहले तो बता देती हूँ क्या बना रहे हैं, गपशप तो लगती रहेगी। तो मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो मैंने लिया है दही, उसमें नमक डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और ये थोड़ा सा लेमन जूस डाला है। मैंने क्यूब्स फ्रीज करके रखी हुई थी तो वही डाल ली है। उसके अलावा इसमें जा रही है जी लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लें। साथ में हल्दी, और ये मेरे से स्किप हो गया, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर है। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। और उसके अलावा मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली थी, और ये साथ में ना प्याज क्रश करके, जो फ्राइड अनियन नहीं होती है, आप ऑप्शनल है, डालना तो डाल लें वरना जल्दी हो तो ना डालें। तो उसके बाद मैंने ये योगर्ट में सारा ये स्पाइस मिक्स कर दिए, और ये योगर्ट इसमें डाल के तो चिकन को मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप रखते हैं। वैसे ओवरनाइट मैरिनेशन भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाल दिया है और इसको बस मिक्स करके हम रख लेंगे। तिहामी के एग्जाम में भी तकरीबन 8 डेज रह गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रेप जा रही है। तो ये चूंकि वीकेंड था तो शहजाद उसको पढ़ा रहे थे, मैथ्स और अरेबिक शहजाद करवाते हैं, तो मैं अपना खाना बनाने में बिजी थी। चावल मैंने बॉयल होने के रख दिए और यहाँ पे बिरयानी मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने डाला था ऑयल, उसमें प्याज और जीरा, साथ में ये बादियान के फूल हैं, जो भी होल स्पाइसेज है ना, फिर दालचीनी डाली है, काली मिर्चें डाली हैं, और इसमें जाएगी ये क्या होती है, तेजपात, लौंग और हरी इलायची। तो ये सब चीजें डाल के इनको हम इतना फ्राई कर लेंगे कि लाइट से ब्राउन हो जाए। मेरे से थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन हो गया, बट इट्स ओके, चलता है। तो इसके अंदर हमने मैरिनेटेड चिकन डाल दिया, और इस चिकन को पहले मैंने अच्छे से भून लेना थोड़ा सा, ताकि उसकी जो रॉ ऑर्डर है वो चली जाए। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने इसमें, वही मसाले वाला ना पानी डाल दिया, और इसको पकने के लिए रख दिया था। चिकन अच्छी तरह से तैयार हो गया है, और फिर इसका हाफ निकाल दिया था मैंने और हाफ पड़ा रहने दिया। उसके ऊपर मैंने डाल दिया बॉयल्ड राइस, साथ में थोड़ा सा लेमन, ये ऑप्शनल है, कई लोगों को लेमन पसंद नहीं होते। साथ में ये मैंने इसमें डाली है इमली का पेस्ट, साथ में येलो फूड कलर, और बाकी का जो चिकन और मसाला था ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। दूसरी लेयर भी हम इसी तरह ही बना लेंगे। अब ये देखें जी, मैं बनाने लगी हूँ रेसिपी रस मलाई की, और ये मैंने पानी डाला है और शुगर डाली है, और इसको मैं कैरमेलाइज करने लगी हूँ। ये मैंने एक वायरल रेसिपी ली थी, जो शॉर्ट्स होते हैं ना वहां से, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं थे, आई थिंक टिकटॉक या इंस्टाग्राम, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो बहरहाल ये जो है ना शॉर्ट्स की रेसिपी थी, और इसमें क्लेम ये किया गया था कि ये जो इसको कैरमेलाइज करके जब रस मलाई बनाई जाती है ना, तो ये जो दूध रबड़ी टाइप जो बनती है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल हलवाई वाला आता है, जो कि बिल्कुल गलत था। अच्छा, इसको करना ये था कि इसको पानी डाल के शुगर मिक्स करके इसमें ना, तो इसे पकने देना था जब तक कि ये कैरमेलाइज हो जाए। 1 मिनट की वीडियो थी। यही होता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स देख के ना सबका दिल करता है कि वही रेसिपी फॉलो करें, लेकिन वो ज्यादातर गड़बड़ निकलती है। जब तक रेसिपी डिटेल में देखे नहीं, तो वो उसके ना छोटे छोटे टिप्स कोई भी नहीं फिर बताता जल्दी रेसिपीज में, क्विक में, तो गड़बड़ ही होती है। अच्छा, ये कैरमल बन गया ना इसका, तो इसके अंदर डालना था दूध रूम टेम्परेचर वाला, ठीक है। खैर वो भी मैंशन नहीं था, वो मैंने खुद सोचा कि ठंडा दूध डालेंगे तो बिल्कुल पत्थर बन जाएगा एकदम, तो रूम टेम्परेचर दूध डाला जाए इसके अंदर। अच्छा जी, लेकिन जब उन्होंने दूध डाला जिन्होंने रेसिपी बनाई थी, तो तब भी दूध व्हाइट का व्हाइट ही था, ये मेरी समझ से बाहर है। उस वक्त मैंने पता नहीं क्यों नहीं सोचा। खैर तो लेकिन जब मैंने इसमें दूध डाला तो ऑब्वियसली ब्राउन हो गया, क्योंकि कैरमल था इसमें। तो खैर जी, अब हम इसको पका लेंगे, तो उतनी देर में ये जो बाकी शुगर थोड़ी सी ऐसे लंपी सी हो गई है, ये मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है उसके अंदर डालनी थी इलायची का पाउडर और साथ में जाफरान, तो वो भी मैंने डाल दिया। बस इसको हम पकने रख देंगे 15 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हम बना लेते हैं जी रस मलाई का मिक्सचर। उसके लिए मैंने लिया है नीडो, और साथ में मैं ये इलायची को कूट के डाल दूंगी। इसके दाने, यहाँ पे दाने लाइट लाइट से होते हैं क्योंकि इलायची ना ड्राई की होती है, लेकिन इसकी खुशबू बड़ी जबरदस्त यहाँ पे होती है, क्योंकि पीस के घावा वगैरह में डाली जाती है ना। अच्छा जी, इसके अंदर अब डालना था बेकिंग पाउडर, और उसके बाद फिर लास्ट में इसके अंदर जाना था ये एग। अंडे मैंने बीट कर लिए, मैं इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि क्या फायदा, आप भी जाहिर है कोई ट्राई तो करेगा नहीं, तो फिर लिखे भी क्या फायदा, खराब ही होनी है। अच्छा, इसके अंदर अब जाना था ऑयल। अब यहाँ पे ये चीज ने गड़बड़ की, एक तो ये कि इसमें मैदा या सूजी होनी चाहिए थी, वो बाइंड बहुत अच्छे से करती है, सिर्फ अंडा इस तरह से बाइंड नहीं करता, एक चीज। लेकिन मैं चूंकि एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करी थी, तो मैंने इसमें ये दो चीजों में से कुछ भी नहीं डाला। दूसरी चीज ये है कि
जो क्रिएटर थी उन्होंने ये कहा है कि रसमलाई बहुत ये मिक्सचर सॉफ्ट होना चाहिए, जबकि ये इस तरह से होना चाहिए कि आप इजीली इसको हाथों में रोल कर सके। अब ये देखिए कितना सॉफ्ट बना था, तो मुझे इसके अंदर बार बार एक्स्ट्रा दूध डालना पड़ा था। एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑब्वियसली मैंने फॉलो किया, फर्स्ट टाइम तो मैं कोई कुकिंग बेकिंग कर नहीं रही हूँ, एग्जैक्ट फॉलो की। और कोई भी रेसिपी टेस्ट करनी हो ना आपने भी लाइफ में, तो सबसे पहले तो जो बनाई हुई है ना रेसिपी मेकर ने आप एग्जैक्ट फॉलो करें, रिजल्ट अच्छा है तो तब आपको समझ आ जाएगी कि उसका स्पाइस लेवल क्या है और उसके जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। बहरहाल ये देखें कितना सॉफ्ट ये जो है ना मिक्सचर था, और मुझे डर ही लग रहा था कि पता नहीं इसका रिजल्ट क्या आएगा, बट लिटिल डिड आई नो कि ये बिल्कुल ही क्या कहते हैं कि क्लाउड सा बन जाएगा इसका पानी में जाके। कारफोर से भी सामान आ गया था, वाटरमेलन आजकल बहुत अच्छा आया हुआ है, वैसे तो पूरा साल ही अब तो पता है हर मुल्क में ही चीजें मिलती रहती हैं, लेकिन यह है कि जो सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं ना उनका तो एक कलर और उनका एक टेस्ट ही अलग होता है। तो ये वाटरमेलन प्योर रेड था और इतना मीठा वाटरमेलन था। तो खैर गर्मियां सारी ये और मैंगोज जो है ना दो चीजें चलती रहती हैं, मिशारी साथ साथ हेल्प कराता रहता है क्योंकि आजकल तो हम ही पढ़ने में बिजी होता है तो मिशारी को अपना भाई नजर नहीं आता, तो यहाँ वहां बस सारा दिन आपको पता है छोटे बच्चे फिर के और खेल के टाइम गुजारते रहते हैं, तो बस वो कभी शहजाद के साथ हेल्प करा रहा होता है, कभी मेरे साथ करा रहा होता है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि हमें अपना बचपन, ये जो मिशारी की एज है इससे भी छोटी एज है, हमें अच्छे से याद होता, क्योंकि इस एज में बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सारा दिन फालतू फिरते रहते हैं, घर में खेल लेंगे, बैठ जाएंगे, टीवी देख लेंगे और अपना टाइम पास कर लेंगे, पूरा दिन गुजर जाएगा। एक हम बड़े होते हैं हर वक्त भाग दौड़ और स्ट्रेस में ही होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अगर हमें भी ये बचपन का टाइम इतना छोटे बचपन वाला भी याद हो तो कितना मजा आए, हम एटलीस्ट उसको एंजॉय कर सकें कि हाँ इस एज की हमें एक एक बात याद है और हम बिल्कुल केयर फ्री होते थे। मिशारी बड़ा जब उसे थोड़ी याद होगा वो इस तरह हेल्प कराता था या वो सारा दिन कैसे गुजारता था। बहरहाल ये सॉफ्ट सी रसमलाई जो है ना ये मैंने डाल दी है और अब बस जनाब तबाहकारियां रसमलाई की स्टार्ट होने वाली हैं। बच्चों के कपड़े धो लिए थे, ये मैं बच्चों के कपड़े डाल रही हूँ। बच्चे किचन में आ रहे थे तो मैंने उन्हें कहा भागो भागो मैं काम कर रही हूँ, क्या करने आ रहे हो? तो एकदम डर गए कि मम्मा क्यों इतने गुस्से में आ गई हैं, तो वो फ़ौरन बेचारे भाग के, डांट नहीं ना पड़ती जब पड़े तो बेचारे घबरा जाते हैं, फ़ौरन चले गए। अच्छा वो ना कैमरा जो है ना उसका क्या सीन हो गया, कैमरा जो है ना वो उसका मैं डेटा थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि जो कैमरा से लुक आती है ना वो फ़ोन से नहीं आती, तो अभी जो है ना ये फुल हो गया और इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अल्लाह काम ख़राब ही ना हो जाए जो कि हो रहा है। ये होता है ना कि जो शॉर्ट शॉर्ट से रेसिपीज़ होती हैं, आजकल यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स का ट्रेंड चल गया है, तो लोगों को होता है कि रेसिपी भी शॉर्ट से देख के बना लें। और आपसे जब भी मैंने टिकटॉक की वायरल रेसिपीज शेयर किया उनका रिजल्ट यही निकला है, कभी भी कोई रेसिपी अच्छी नहीं बनी। तो पता नहीं लोग क्यों इस तरह से करके व्यूज़ तो कमा लेते हैं लेकिन दूसरों का रिस्क जो है वो ज़ाया करवा देते हैं। बहरहाल मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं इतनी केयरलेस हूँ कि मैं रिस्क ज़ाया कर दूंगी, बट मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, मैं कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, तो ये सारी की सारी खराब हो गई। अंदर से कच्ची है, ऊपर से इसकी साइड चेंज करते हैं तो नीचे से कैसे दूध की तरह ये देखें बह के बिखर जाती है। ये है रसमलाई, अभी बच्चों को छेड़ते हैं। बच्चों गाइस रसमलाई बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। हाँ जी लेकिन इसके बाद एक और भी ब्रेकिंग न्यूज है कि सारी रसमलाई खराब हो गई है। हाँ खराब हो गई है, ये देखो उफ अल्लाह मैं छोड़ के गई हूँ तो यहाँ पे देखो ये क्लाउड बना हुआ है, ये देखो ये लो खाओ इसमें से, ये लो कोई रसमलाई मिशू का था, आई डोंट वांट टू ईट, अंदर से अभी भी कच्ची है, अंदर से कच्ची लेकिन बाहर से सही है, तो वो जो बनती जा रही है जो पकती जा रही है वो घुलती जा रही है ना अंदर। हाँ जी इट मेल्ट्स इन योर माउथ। ये क्या क्वालिटी है इस रेसिपी की, कैसी लगी आपको? मैं खा लूंगा बाकी। मैं इसमें दूध, मैं इसमें चावल डाल के तो वो बना लूं खीर? नहीं नहीं प्लीज इस तरह खा लूंगा मैं यार। वो शहजाद ने हलवा बना दिया, वैसे ही बनना ही था सारा, वो जब जब पकती जा रही है ना वो ऐसे होती जा रही है। कोई बात नहीं है, कसम से इसका भी अपना ही मजा होना है, देख लेना। टेस्ट तो अच्छा ही ऑब्वियसली क्योंकि रसमलाई वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। की तरह आ रही है मुंह में। ये बिरयानी भी बहुत मज़े की बनती है, मुझे यूजुअली बहुत सारे लवाजमात के साथ बिरयानी मैंने आपसे शेयर की हुई है, बहुत सारी वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ना बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं लेकिन बहुत मज़े की बन जाती है।
उस तरह की प्रोफेशनली बनती है जैसी मैं आपके साथ सारे लवाजमात के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। मतलब अगर आपने जल्दी जल्दी बनानी है ना तो ज़बरदस्त रेसिपी है। और बस जल्दी जल्दी खाना खाया, उसके बाद थोड़ा सा आउटिंग के लिए जाना था कि क्योंकि हामी पढ़ पढ़ के ना थक चुका था और कह रहा था कि मुझे फ्रेश एयर थोड़ी सी चाहिए। Hello guys, this is me and I am going to the park and I'm going to choose my clothes. Okay, so I have this one, so I am going to this one, this dragon, with this. Look how far you can do this. Okay, now it's time for choosing the pants. Guys, you can subscribe to my channel and you can comment below whose vlog is better, Nico's or Cash or mine. So, this. मैं शारी विसल कर रहा था और शहजाद ने कहा कि बहुत ऊंची आवाज, तो मैंने भी इसे आइडिया दिया कि डोर बंद करके कर लो। मैंने ये कपड़े वाले पहने हैं, मुझे इतने पसंद है ना, ये इनकी थोड़ी थोड़ी रमजान जैसी लुक आती है। इतना लंबा अच्छा दुपट्टा मुझे लग रहा है ना, लंबा लंबा सा, तो मैं देखूंगी मुझे और लंबे दुपट्टे मिले ना तो वो मैं लूंगी। इससे आगे ड्रेप किया हो ना ऐसे लंबा सा, बहुत प्यारा लगता है। वो जो गाड़ी साफ करते हैं ना, इतने गलत तरीके से साफ करते हैं कि सारे निशान लगे हुए हैं। तो अब मुझे जो है शायद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब ट्रैफिक इतनी है कि अभी एक इशारा खुला था फिर से बंद हुआ और हम उसी रोड पे खड़े हैं। ये वाला पार्क ना मजाज में बना हुआ और इसमें हम पहली दफा आए थे। बड़ा अच्छा पार्क है क्योंकि ये सैंड वगैरह नहीं है ना, तो इसलिए बच्चे गंदे मंदे नहीं हो जाते फौरन से। तो यहाँ पे ले आए थे, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी लेकिन अच्छी राइड्स थी, बच्चों ने काफी इंजॉय किया। थे हम ही तो बड़ा हो गया ना, तो उसकी एज की तो राइड्स खत्म हो गई है, तो वो क्या करता है कि मिशारी के साथ साथ रहता है और उसको राइड्स देता रहता है, उसे चीजों के लिए गाइड करता रहता है, हेल्प करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। लेकिन मिशारी ने खैर बहुत इंजॉय किया था क्योंकि उसकी एज के अकॉर्डिंगली सारी राइड्स थी। हमें को शर्म आ रही है, बड़ी मुश्किल से उसको एक राइड पे बाबा ने बिठाया है। तो आपका फेस तो ऐसा ही बना हुआ है। आप देखे थे हामी खड़ा होगा तो कितना लंबा थे हामी है, मामा से लंबा ये देखे। ना यहाँ पे आए हैं, अजमान कॉर्निश वाली रोड है और जगह है। नहीं नहीं ये बड़ी प्यारी जगह, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो क्या हुआ है कि मैं ना यहाँ पे, हम लोग यहाँ वॉशरूम था, उसके बाद ना एक बंदा आके ना अपनी उसने इलेक्ट्रिक स्कूटी खड़ी की है और आराम से अंदर चला गया। तो मैं कह रही ये है ना कंट्री, मजा लगे किसी की जरूरत हो गई वो यहाँ से स्कूटी लेके भागता फिरे। तो फिर मैं शराब को बताई थी स्टोरी कि एक दफ़ा ना प्रिंस ने, यहाँ के प्रिंस ने वो लगाई हुई थी एक पिक्चर की, एक प्रैम थी और उसके अंदर किसी का लेडी का बैग था और उसने कहा हुआ था कि दिस इज़ माई कंट्री। सारी रात की वो प्रैम वहीं खड़ी थी, जिसकी थी वो तो लेने नहीं आ सकी लेकिन और किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, वो वहीं खड़ी थी। 10,000 दफा ये कहानी सुन चुका हूँ। हाँ तो कहते 10,000 कानों से खून निकलता है अब। तो मैं कही थी एक दफा और सुन ले, क्या मैं खुशी खुशी बताती हूँ कि भाई इतना अच्छा सेफ कंट्री है। अच्छा चले मैं आपकी जगह दिखा। तो गुड़िया बोलती है कि सुन तो ले, मैंने कहा एक दफा सुनो, दो दफा सुनो, तीन दफा सुनो, 10,000 दफा सुनो। अच्छा मेरी भी वैसे ये आदत है, जो बात मुझे अच्छी लगती है मैं बार बार बताना शुरू करती हूँ। अच्छा मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। मिला बच्चा भाग के चला गया, छोटा सा आइलैंड है और वहाँ पे ये सारा ओशन है, वो तीन आइलैंड है। मेरे कैमरा में देखो जरा इसकी, ये देखो ओए वो ब्लू थी ना पीछे इसीलिए।
इस जगह पे भी हम पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ये कार्ड्स वगैरह होती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि तिहामी जब सऊदी अरब में छोटा था ना उस वक्त बहुत ज्यादा कार्ड्स वगैरह वो ड्राइव करता था, वहां पे हर मॉल में होती थी, यहाँ पे मॉल्स में नजर नहीं आती, तो हम ढूंढते रहते थे, हमें कहीं नहीं मिली थी, इतफाक से ही नजर आई थी। और अब हम डिस्कस कर रहे थे कि अब मिशारी जो है वो उसकी दफा जब वो बड़ा हो रहा था तो कोरोना हो गया और अब यहाँ पे यूएई आ गए तो यहाँ पे तो ऐसी कार्ड्स ही नहीं नजर आ रही थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये जगह नजर आई। आपने भी जाना हो तो ये अजमान कॉर्निश रोड पे बनी हुई है ये जगह, और बड़ी मजे की राइड है। और मिशारी ने इसका नाम रखा था रेनबो पुलिस कार, क्योंकि इसके कलर्स इस तरह के हैं। तो यहाँ पे भी एज ऑलवेज तिहामी ने उसको गाइड किया, उसको सिखाया कार कैसे ड्राइव करते हैं, उसके बाद फिर मिशारी जो है ना जनाब एंजॉय कर रहा खूब। मम्मा उबर में बैठने लगी है मिशी के साथ। वाओ, सी यू लेटर। दिस ड्राइवर नोस हाउ टू डू एवरीथिंग। Wow, you guys are going so fast. Oh, you guys went so fast. Yeah. Mama, your driver is very good. Yeah. He's an awesome driver. There. Yeah, almost there. Thank you. Oh, it's not working. Time is up. Yeah. Time is up. Okay. वापसी पे हम बेकर्स हाउस रुक गए, ये बिल्कुल हमारे घर के पास है। बच्चों के लिए थोड़े से स्नैक लेने थे ताकि खा के सोएं। खाना खाने के बाद अब फिर से थोड़ी भूख लग गई थी। ओए मेरा बच्चा सो गया खड़े खड़े। ओह नो नो नो, डोंट फॉल डाउन विशु। हाय बेचारा धक्के खाता आ रहा है। नो बाबा, ओह प्लीज सिट डाउन प्लीज। ओह पुअर बेबी फेल डाउन। आ जाओ बेटा मिशु कम। ये मिस्टर शहजाद का भी मैं देखती हूँ क्या लेके आए हैं, जरा मुझे भी पता चले। मुझे बार बार पूछे थे आपने भी कुछ नहीं लेना, टेंशन लगी थी कि स्मार्ट ही ना हो जाए। इसके ऊपर ना ये पड़ी हुई थी चॉकलेट शेविंग्स। बेबी आप भी ना, कसम से। हाँ जी कसम से। हाँ जी, फोल्ड करके ऐसे पकड़ा हुआ था आपने जो है। नहीं, मैंने जब उसको शॉपर से पकड़ा ना तो ऑटोमेटिकली टेढ़ा हुआ था, मैं शॉपर सही से पकड़ा था, फिर इसी वजह से ये हो गया। पता है बेटा बैठ जाते हैं, हमें चेंज भी कर रहा है। गुड, बैठ जाओ बेटा, जल्दी से खा लो ताकि नींद अच्छी आए। नहीं खाओगे ना फिर नींद नहीं अच्छी आएगी। इट्स अ प्राउड मोमेंट। रात के 1 बज रहे हैं, हम सोने लगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।